नमस्कार मु विभ रंजन स्पेशल रिपोर्ट को आपमन को स्वागत। देश में कोरोना भाइरस रो गति द्रुत गति रे बढ़ी चली। कोरोना संक्रमितों संख्या दृष्टि भारत एवं द्वितीय स्थान में पहुंची सारी। कोरोनार लगातार बढ़ुवा ग्राफ सरकार और साधारण जनता मुंड बिंधार कारण पलटि। नाइट कर्फ्यू और सप्ताहांत लॉकडाउन भी सेते बेसी प्रभाव देखापी मिलूना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुख्यमंत्री सहित बैठक में लॉकडाउन को मना करते किंतु महाराष्ट्र में जो भाई कोरोना विस्फोरण हो दिल्ली पंजाब समेत पांचटी राज्य में स्थिति जमी बेकाबू हो खूब विपज्जनक चिंताजनक जहाँफल सारा देश माड़ बसी कोरोनार महासंकट। देश में गत 24 घंटे कोरोना भाइरस पुणि थरे रेकर्ड करिछि। गोटे दिन में 185,000 नुआ संक्रमित बाहरी। राज्य सरकार गुड़िक कोरोना गाइडलाइंस को कड़ाकड़ी लागू करने नहीं विचार करोनार बड़ प्रभाव पिलांको पाठपढ़ा पड़ू। चलित बर्षर सीबीएसई दशम श्रेणी परीक्षा बातिल करा बेले द्वादश श्रेणी परीक्षा स्थगित कर दि जा। रेकर्ड संक्रमण 24 घंटे रेकर्ड मृत्यु 24 घंटे रेकर्ड सक्रिय मामला हॉस्पिटल फुल श्मशान घाटे लंबा धाड़ी द्वितीय लहर रे कोरोनार रेकर्ड परे रेकर्ड। ये सही सत जहां अवहेला और खामख्याली फल कोरोना भाइरस द्वितीय लहरी को सुनामी कर देछि। हॉस्पिटल रे रोगी को भिड़ दिन करे रेकर्ड संख्यक मृत्यु परे श्मशान रे सब जलाइबा को लागी धाड़ी। गत 24 घंटार कथा कहिले 185,000 अधिक मामला 1,026 जनकर जीवन गला 1,02,000 सक्रिय मामला बढ़िला एवं 14,00,000 रु अधिक लोक चिकित्साधीन अछन्ति। कोरोना रे मोट 13,87,00,000 लोक संक्रमित हेलेनी एजाए 1,72,000 लोकंकर जीवन नेलानी मारात्मक भाइरस। महाराष्ट्र गुजरात मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ दिल्ली उत्तर प्रदेश राजस्थान कर्णाटक केरल देशर 31 राज्य और केन्द्र शासित अंचल कोरोना भाइरस नुआ मामला द्रुत गति में बढ़ुछि। गत 24 घंटे केवल महाराष्ट्र में 60,000 अधिक नुआ संक्रमित बाहरी। यूपी में 18,000 छत्तीसगढ़ में 15,000 दिल्ली में 13,000 नुआ केस सामना को आसी। मध्यप्रदेश और कर्णाटक में प्राय 9,000 नुआ संक्रमित बाहरी। केरल तमिलनाडु और गुजरात में 8,000 लोक महामारी कबल में पड़ते। यह परिसंख्यान समस्त को चिंतित करदे भाई किंतु आम उद्देश्य आपण को चेताई देवा आपण और आपण परिवार सुरक्षित रुहतु एथिपाई कोरोना संकट प्रति सावधान रहिबार रही आवश्यकता। कोरोना गाइडलाइंस रो पालन करा उचित एवं संक्रमण रोकबा को प्राय सब राज्य सरकार नेउछंती कठोर निष्पत्ति। महाराष्ट्र रे मिनी लॉकडाउन माध्यम रे कोरोना चेन ब्रेक करबा को आरंभ होछि अभियान। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी एक्टिव हैं कि इस कोरोना संक्रमण से कैसे निपटा जाए, उसको कैसे रोका जाए और आने वाले समय में कौन किस तरह से गाइडलाइन तैयार किया जाए। सीधे तौर पर देखा जाए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जो कड़े और सख्त नियम बनेंगे इससे कुछ लोगों को तकलीफ हो सकता है लेकिन जीवन की रक्षा सर्वोपरि है। बैठक कले जो निष्पत्ति निगला यही परीक्षा सब मे 4 तारीख रु आरंभ होगा। परवर्ती बैठक जून 1 तारीख रेब जो द्वादश श्रेणी परीक्षा नहीं निया निष्पत्ति। परीक्षा पूर्व पिला 15 दिन समय दिया। ये फैसला लिया गया है, अच्छी बात है और बच्चों के हित में लिया गया है। 10वीं की परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई हैं। ये एक अच्छा स्टेप है कि इंटरनल एग्जामिनेशन जो हुए ऑनलाइन पिछले एक साल में 10वीं और 12वीं दोनों ने ऑनलाइन पढ़ाई की थी। 10वीं के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के आधार पर और ऑनलाइन असेसमेंट के आधार पर अब प्रमोट किया जाएगा। 12वीं की परीक्षाएं अभी पोस्टपोन की गई हैं। ये थोड़ा सा मुझे लगता है इसको भी एक ओपन हार्टेडली सोच के और 12वीं की परीक्षाओं को भी उसी तर्ज पर जैसे 10वीं की परीक्षाओं में मूल्यांकन 10वीं में मूल्यांकन किया जा रहा है 12वीं में भी उसी तरह से मूल्यांकन किया जा सकता था। इसका फैसला भी अगर
CBSE ले लेता तो 12वीं के बच्चों की भी एंग्जायटी, उनका डायलेमा खत्म हो जाता। अच्छा तो लग रहा है लाइक, पर पहले बहुत मेहनत की थी तो थोड़ा दुख भी हो रहा है, बट अब हेल्थ खराब नहीं होगी, हेल्थ का कोई डर नहीं कि कोरोना हो जाएगा, बिकॉज मेरे को पहले भी होकर चुका है, तो आई नो कि बहुत लाइक मुश्किल होती है, तो अब हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उस बात से तो मैं खुश हूँ। उस बात से आप खुश हैं। आप बताइए, आपका क्या रिएक्शन है इस फैसले के बाद? कहा गया कि 10th के जो एग्जाम है वो इवेलुएशन किया जाएगा और उसके बाद आगे। मैं भी इस बात से खुश हूँ क्योंकि हमारी हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, और इसलिए कि कोई भी अब किसी, और वैसे भी कोरोना के केसेस बहुत ही बढ़ रही। गत 24 घंटा रे देश रे 40 लाख रु अधिक टीका रो डोज दिया जाय छि। एजाय मोट 11 कोटी 43 लाख टीका दिया सरिलानी, किंतु कोरोना रो द्वितीय लहर जे भली संक्रमितक संख्या बढाउ छि, से दृष्टि रु टीकाकरण अभियान अधिक व्यापक करबा सह कोरोना गाइडलाइंस रो पालन भी जरूरी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। କରୋନାର ଏହି ମହାସଙ୍କଟ ପଛରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଲା ଲୋକଙ୍କର ଖାମଖିଆଲି। ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଖାମଖିଆଲି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପକାଇଦେଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କ'ଣ ଭାଇରସର ଗତି ରୋକିବାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଶରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଲଗାଯାଇପାରେ, ନା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କରୋନା ଭାଇରସର ସ୍ପିଡ୍କୁ ରୋକିପାରିବା? ପ୍ରତିଦିନ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି କରୋନା। କରୋନାର କୋପ ମହାମାରୀର ମହାସଙ୍କଟ। ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ପରିସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଚମକିବା ଓ ଡରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଆଉ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ଘାମଖିଆଲି। ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା କରୋନା ଭାଇରସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର କବଳରେ ଆସୁଥିବା ଜୀବନର ଗତି ପୁଣି ଥରେ ଥମିଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁନେରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇର ରାସ୍ତାରେ ନିରବତା ଛାଇ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅହମ୍ମଦନଗରରୁ ଆସିଥିବା ଚିତ୍ର ସାରା ଦେଶକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଗତ ଶନିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସହରରେ 22 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦାହ ସଂସ୍କାର କରାଗଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ରହିଛି, ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ କିଛି କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରେ। ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଜଧାନୀ ରାୟପୁରରେ ବଢ଼ୁଥିବା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ପୁରା ରାୟପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେପଟେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ତମାମ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଶନିବାରଠାରୁ କରାଗଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଡାଉନ୍। ଭାରତରେ ଜାନୁଆରୀ 2020ରେ ପ୍ରଥମ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରୋନାକୁ ରୋକିବାକୁ ଯେମିତି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ, ତାହା ଫଳରେ ଏକ ବର୍ଷ ଭିତରେ କରୋନା ଅନେକାଂଶରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ମହାମାରୀ ଟିକିଏ ଥମିବା ଫଳରେ ଲୋକେ ଏମିତି ଖାମଖିଆଲ ହେଲେ ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31ରୁ ଏପ୍ରିଲ 10 ଯାଏଁ ଦେଶରେ କରୋନା ଏମିତି ବ୍ୟାପିଲା ଯେ ସ୍ଥିତି ବେକାବୁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ପରିସଂଖ୍ୟାନ୍ତ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜାରି କରୁଥିବା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ମାସ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରୁଛି ମାରାତ୍ମକ ଭାଇରସ। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖରୁ ଲଗାତାର ବଢ଼ିଚାଲିଛି ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା। 6 ତାରିଖରେ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1 ଲକ୍ଷ ଟପିବା ପରଠାରୁ ପାରା ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ କରୋନା ଭାଇରସର ନୂଆ ମାମଲା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସବୁଠୁ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ହେଲା ଦେଶରେ ସଂକ୍ରମଣର 83% ନୂଆ ମାମଲା ଏହି 10ଟି ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ଥିତି ତ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରୁଛି। ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ସହରରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଲଗାଇଛି। ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇ ସହର, ଯେଉଁଠି ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଭରପୁର ଥାଏ, ଏବେ ସେଠାରେ ନିରବତା ଛାଇ ଯାଉଛି। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं
तो ये गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीरें हैं। अमूमन ये पूरा भीड़ का हिस्सा होता है, यहाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है मुंबई में देखने के लिए। जो भी लोग आते हैं वो गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ आते हैं, लेकिन आज पूरा देखिए इस पूरा परिसर को देख रहे हैं आप, पूरा सन्नाटा फैला हुआ है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। और इसी तरीके के अमूमन वो सारे हिस्से हैं जहाँ जहाँ पर भीड़ है, और ऐसे में कोशिश सरकार की या पुलिस कर्मियों की ये है कि इस लॉकडाउन के जरिए जो कोरोना की बढ़ती हुई चेन है उसको तोड़ा जा सके। महाराष्ट्रर आउ एक शहर पुणेरे मध्य सप्ताहांत लॉकडाउन फलरे शनि और रविवार पूरा सुनसान होइगला। शहरर रास्तारे विभिन्न स्थानरे पुलिस और प्रशासन नाकाबंदी करिथिला, घरु बाहरुथिबा लोकंकु पचरा उचरा करा जाउथिला। महाराष्ट्रर अहमदनगरु आसीथिबा चित्र तो सारा देशकु धोलाई देला। अहमदनगरे शनिवार 22 जन लोकंकर मृत्यु हेला, शहरर श्मशानरे से 22 जनकर एका संगरे दाह संस्कार करा गला। दिल्लीरे भी कोरोनार बढ़ुथिबा संक्रमण सरकारक चिंता बढ़ाई दिछि। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निजे एलएनजेपी हॉस्पिटल जाई सेठी कोरोना पई करा जायथिबा व्यवस्थार समीक्षा कले। यहापर अरविंद केजरीवाल एक सांबादिक सम्मेलन में घोषणा कले जे तांको सरकार आहुरी कड़ा पदक्षेप नहीं पारंती, किंतु दिल्ली में लॉकडाउन लगा जीवो नहीं। ये चौथी वेव दिल्ली के अंदर आई है, नवंबर में लास्ट वेव आई थी, उसके बाद केसेस इतने ज्यादा कम हो गए थे कि एक सिस्टम के अंदर थोड़ा ढीलापन तो आ ही गया था। नवंबर की वेव को दिल्ली में सभी डॉक्टर्स ने, नर्सेस ने, सबने मिलकर बहुत अच्छे से उसको डील किया था। उसी लेवल की तैयारी को वापस दिल्ली सरकार और सारे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स मिलके वो कर रहे हैं। लॉकडाउन नहीं है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस की जरूरत है, वो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश से भी कोरोना रो बढ़ुतिबा संक्रमण दृष्टि प्रशासन राज्य रो बहुत जिला रे अप्रैल 19 जाए नाइट कर्फ्यू लगाए देछि। राजधानी भोपाल समेत बहुत शहर रे लॉकडाउन लागू होछि। मध्य प्रदेश में 13% की रफ्तार से बढ़ता हुआ कोरोना, और इसलिए देखिए टोटल लॉकडाउन। प्रदेश के तमाम शहरी क्षेत्रों में आज टोटल लॉकडाउन है, यानी आपके घर से निकलने पर पाबंदी है, और इसलिए पुलिस की तरफ से सख्ती बढ़ाई गई है। अगर आप घर से निकले हैं तो आपके पास वाजिब वजह होनी चाहिए, अगर वजह नहीं है तो पुलिस आपको रोकेगी, आपका चालान करेगी। छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर में भी संक्रमण रोकने को लॉकडाउन लगा जाएगी। रायपुर जिला एवं पलटिछि कोरोना हॉटस्पॉट, और कोरोना चेन रे ब्रेक लगाइबा को प्रशासन अप्रैल 9-19 जाए लॉकडाउन लगाई। रास्तारे मुतयन पुलिस कर्मचारी कड़ाकड़ी भावे लॉकडाउन लागू कराउछन्ति। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए रायपुर जिला में पूरी तरह से लॉकडाउन रखा गया है। 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक यह लॉकडाउन रहेगा, और इस दौरान पूरी तरह से व्यावसायिक प्रतिष्ठानें बंद रहेगी। उत्तर प्रदेश को भी कोरोना वायरस द्वितीय लहर निज कबल को नहीं। यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निजे कोरोना संक्रमित होती। या पूर्वरु राज्य में बढ़ुवा संक्रमण नहीं मुख्यमंत्री उच्चस्तरीय बैठक डकाई समस्त प्रस्तुतिर समीक्षा कले। केन्द्र और राज्य सरकार माने लोकंकु कोरोनारु बचाइबा को सब प्रकार उद्यम करुछंती, किंतु लोकंक खामख्याली सबुठी देखा जाउछि। न्यूज 18 टीम मिरट घंटाघर अंचल रे रियलिटी चेक कला। बाजार रे एमिति दृश्य देखा गला जेमिति कोरोना एठि शेष हो जाइछि। लोके निज कथा छाड़ंतु, निज पिलांक कथा भी चिंता करुनाहंती। बेटा आप ये बताइए, मास्क नहीं लगा रखा आपने? मास्क लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? दुपट्टे का ढाटा लगा ले। हम कहेंगे तब आप लोग लगाएंगे। सेहत का ही सवाल है मैडम, क्या कहेंगी आप? इनके साथ निकली हैं आप लोग तो चेहरा ढके हुए। भूल गई थी वो, इसलिए भूल गई थी। देखिए इधर तस्वीरें दिखाई है अभिषेक की, किस तरह से कोई भूलने का बहाना बनाता है, कोई दूसरा बहाना बनाता है, कोई ट्रिपलिंग करके जा रहा है। भाई साहब मास्क कहाँ है आपका? हुआ है लेकिन थोड़ी के नीचे लगाना चाहिए, नाक के ऊपर तक। कोरोना बढ़ रहा है तो आप देख रहे हैं कि किस तरह की तस्वीरें यहाँ नजर आ रही हैं। बाजार में जैसे ही कैमरा रोल होते हुए लेट देखते हैं। मैडम आप बताइए, मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ आपने? चेहरा क्यों नहीं ढका हुआ है? अभी वहाँ गिर गया भैया पीछे, सॉरी। क्या आप बताइए, आपकी सेहत का सवाल है, सवाल हम आपसे कर रहे हैं। एमित्रे महामारी कबल रूप केमिति मुक्ति मिलिबो, तहा सबठारो बड़ प्रश्न। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया।
कोरोनार प्रथम लहर ठारु एबे चालीथिबा द्वितीय लहर अधिक भयंकर लोकंक पाखरे कोरोनार समस्त लक्षण थाइबी परीक्षा रिपोर्ट आसुछि नेगेटिव कोरोनार एही अत्यंत भयंकर रूप बाबदरे देखिबा एही ब्रेक परे स्वागत कोरोनार प्रति लहर एक नुआ चैलेंज नै आसुछि प्रथम थर लोके सिखिले जे कोरोना नामक एही रोग प्रकृतरे कोन केमिति यहार मुकाबिला करा जिवो एथिरु केमिति मुक्ति मिलिवो किंतु एबे कोरोनार एमिति मामला सामना को आसुछि जहाँ दर्शाउछि जे एहा तो प्रथम तुलनारे बहु अधिक विकटाल बहुत अधिक संक्रामक प्रथम लहर समय जो दाबी करा जाइथिला जे स्वास्थ्य भित्तिभूमि मजबूत करा जाइछि भेंटिलेटर युक्त बेड व्यवस्था करा जाइछि से सबू दाबी एबे फेल हेउथिबा देखा जाउछि कारण भिन्न भिन्न स्थानरु एमिति चित्र सामना को आसुछि केउठी बेडर अभाव केउठी अक्सिजन सिलिंडरर अभाव युरोप्र केतेक देशरु जेमिति चित्र सामना को आसुथिला एबे भारतरे स्थिति सेही आड़कु जाउछि हॉस्पिटल बाहर धाड़ी छिड़ा होता ही आंबुलांस चित्र आज भयानक स्थिति सैरन बजाऊ गोटे दुईटी नुहे दस दस टी बार बार आंबुलांस आबु आंबुलांस गुरुतर रोगी जो मैंने हॉस्पिटल बाहर अपेक्षा करमति मिले भीतर को जीवे हमने अपनी मम्मी को कल 10 बजे भर्ती किया था इमरजेंसी गेट से उन्होंने थोड़ी देर नीचे ही रखा उसके बाद में हमने जाके पता करा रात के जागे हुए थे हमें जाके थोड़ी सी नींद लग गई उसके बाद में वहाँ पता करा जाके तो उन्होंने पता ना कहाँ शिफ्ट कर दिया मेरा भाई गया पूछने के लिए तो उन्होंने कहा ना अभी बता रहे हैं हमने सोचा अब रात में पूछ लेंगे शिफ्ट तो कर ही दिया बाद में पता दे देंगे अब ये सुबह से परेशान है उधर जाके इसको भी कुछ नहीं बता रहे हैं भयानक स्थिति होउछि अहमदाबाद रो कोविड हॉस्पिटल रो एमिति धाड़ी रे गुरुतर कोरोना रोगी को नहीं छिड़ा होती आंबुलांस रोगी और संपर्कियों केवल गोटे आशा अच्छा जे शीघ्र चिकित्सा मिल जाऊ के गोटे बेड मिल जाऊ बेड मिलवा तो दूर कथा हॉस्पिटल को एंट्री मिलवा को भी चार चार पांच पांच घंटा लग जा हॉस्पिटल 1200 बेड अच्छी किंतु गोटे भी खाली ना तेरे लोके बा करे कौन आउ क्योंठी भी तो जगह नहीं अभी कुछ बताया नहीं कहाँ पे शिफ्ट कराने उन्हें कल करा था सुबह के टाइम 10-11 बजे लगता फिर मैं ये कह रहा था कि तुम्हें वीडियो कॉल के द्वारा बताया करेंगे दिखाई करेंगे अब मैं यहाँ पे पता करा 4 नंबर गेट पे तो ये कह रहा है वहीं से एड्रेस लेकर आओ पहले कहाँ शिफ्ट करा तो सुबह से 3 घंटा हो गया मुझे खड़ा खड़ा लेकिन कोई भी बताने को तैयार नहीं है ये कह रहा है 10 घंटा भी लग सकता है 5 घंटा लग सकता है रोगी को संपर्कियो निज समस्या कहुछंती हॉस्पिटल निज बाध्य बाधकता कहुछंती सरकार निज दाबी रखुछंती किंतु सत कथाला चारियाड़े हाहाकार खेली गलानी आउ विभिन्न स्थान रे स्थिति हेउछि भयानक ज्यादा है 10-15 मिले से जो भी जो चल रही है लेकिन लोगों को जिस तरीके से बॉडी मिलती है उसी तरीके से ये लोग सेवा भी देते हैं पर काफ़ी अभी ये है कि अभी ज़्यादा करके केसेस बढ़ते जा रहे हैं इसकी वजह से हॉस्पिटलों को भी थोड़ी परेशानी तो है ये बाकी लोगों को भी समझना चाहिए मेरा तो हाथ जोड़कर विनती है कि पब्लिक को दूसरों को समझ के चलना चाहिए हमारे यहाँ मेडिसिटी कैंपस में जो अलग अलग हॉस्पिटल है जिसमें 1200 बेड कोविड हॉस्पिटल है जो पूरा कार्यरत कर दिया है उसके अलावा मंजूश्री हॉस्पिटल है उसके अलावा कैंसर हॉस्पिटल यूएन मेहता हॉस्पिटल और किडनी हॉस्पिटल है जहाँ पे कोविड के बेड रिजर्व किए गए हैं टोटल अभी मेडिसिटी कैंपस में 2008 पेशेंट दाखिल है टोटल कैपेसिटी 2120 की है और अभी जो ऑक्यूपेंसी है 90-95% ऑक्यूपेंसी है हमारे यहाँ एमिति लागुछि बहु राज्य रे जेमिति पूरा सरकारी व्यवस्था धराशायी हो जाइछि प्रथम लहर रे जे प्रस्तुति रो बड़ बड़ दाबी करा जाउथिला से सब प्रस्तुति द्वितीय लहर रे केउठी बुड़ी गला से कथा केही कहि पारु नाहंती दिल्ली रे भी लोके अस्तव्यस्त एही कारणरु दिल्लीर 14 बड़ घरोई हॉस्पिटल को केवल कोविड चिकित्सा करबाकु कहा जायछि 4 सरकारी हॉस्पिटल को भी संपूर्ण भावे कोविड हॉस्पिटल कर दिया जायछि किंतु प्रश्न हला कोन बेड पई ए टणाउटरा शेष हेबो दिल्ली हेउ अहमदाबाद हेउ लखनऊ हेउ मुंबई हेउ शहर परे शहर
सबुठी समान स्थिति केउठी बेड नाही केउठी ऑक्सीजन नाही केउठी इंजेक्शन नाही तो केउठी औषध नाही। बहु स्थानरे ऑक्सीजन सिलिंडर अभाव बड़ समस्या जहाँ एवं रोगी चिकित्सा क्षेत्र में नुआ समस्या सह जीवन प्रति सृष्टि करुछि बड़ विपद। मुंबईर नाला सुपारार एक हस्पिटाल किसी घंटा मध्य सात जन रोगी मृत्यु होगला। अभियोग लगला जे ऑक्सीजन न मिलबारु ए रोगी मृत्यु होला। बहन का पत्नी का जो सिस्टर है वो बोले कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है अभी बहुत गड़बड़े सेव सर डू समथिंग चेटा चेटा मीन्स बड़ा भाई। सो मैं तुरंत आया था मैं आगे पीछे दौड़ रहा था भाई का अगर ऑक्सीजन नहीं था जैसे ही डेथ हुई उनके कुछ क्वेरीज थे उनको ऐसा लगा दो डेथ के बाद कि नहीं ऑक्सीजन की वजह से हुआ है। हमने सारे रिलेटिव्स को अंदर लिया है बाकायदा बाकी पेशेंट्स को दिखाया है कि देखिए सभी को ऑक्सीजन चालू है। मुंबईर कोविड हॉस्पिटल गुड़िक 80% बेड फुल 2542 आईसीयू बेड मध्य खाली अच्छी मात्र 60 वेंटिलेटर बेड खाली अच्छी मात्र 20। मुंबई में बीएमसी 325 नुआ आईसीयू बेड भिन्न भिन्न हॉस्पिटल सह जोड़ी। पुणेर कोविड हॉस्पिटल मात्र 17% बेड खाली अच्छी। नागपुर भली सहर में 95% रु अधिक बेड फुल हो सारी। ये केवल गोटे हस्पिटाल कथा नुहे ये केवल मुंबईर कथा नुहे पूरा महाराष्ट्र कथा आशर समस्त से ही स्थान स्थित भी एया जो स्थान कोरोनार द्वितीय लहर में सबुठ अधिक प्रभावित। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज एक्टिंग ओडिया। यही अदृश्य भाइरस जमी निज चित्र चरित्र बदलाउछि आउ यार स्थिति नहीं जहाँ भविष्यवाणी कराऊ बास्तविक डराइवा भली। खोद विश्व स्वास्थ्य संगठन कही कोरोना ठारु एते शीघ्र मुक्ति पाइबा संभव नुहे। आहुरी किछि वर्ष कोरोना आमको एमिति हंतसंत करिबो। एणु सावधानता सतर्कता एवं कोरोना गाइडलाइंस रो पालन ठीक भावे न कले आमको ही फल भोगिबा पई हेबो। तबे आज तो समय होइछि स्पेशल रिपोर्ट को एट रखिबा। नमस्कार।